जय हिसाब से बार बार बात होती है, मैंने पिछले साल 30 पोल दिए हैं, बहरहाल आपका डीडीसी शेयर में आज तक वो पहुंचे नहीं, वो गए किधर? अगर मैं कहता हूं नहीं जी पोल चोरी नहीं होते, फिर अगर चोरी नहीं होते तो यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ क्यों नहीं पोल पहुंचा? पैसा लेते हो तो पोल कौन देगा, तार कौन देगा? तार बेचने के लिए रखी है, मैंने 30 पोल दिए पिछले साल, 2 साल हो गए अभी तक पोल नहीं पहुंचे। बड़ी मेहरबानी करके अगर कल कोई फॉल्ट होगा, कोई बच्चा करंट में लगेगा, पोल गिर जाएगा लकड़ी का, तो जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार पीडीडी का महकमा है, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से इन लोगों को बोला, इनको टस से मस नहीं होता, सिर्फ बिले जाली बिले भेजते हैं। कोई अधिकार अगर बिल भेजने का है तो पोल देने का भी अधिकार इनको होना चाहिए। मैं आपको आज इस वार्ड की तमाम सर्वे कराऊंगा, इधर से और पोल दिखाऊंगा, और ये पूरी तार जो नीचे से आ रही है, मैं पीछे मत रहो, ये पूरी जमीन से होते हुए आ रही है, और ये चाहता है सरकार और महकमा बीडीडी कि लोग मरे। मरने से पहले मेरी इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जाम बटोत एडब्ल्यू बनिहाल जेई बनिहाल, मैंने बार बार कहा लेकिन इनको टस से मस नहीं होता, एफआईआर अब इनके खिलाफ लगेगी। पिछले 30-40 साल से ये पोल लगा है और बिले लगातार है, लेकिन शर्म नहीं आती। मैं जीडीसी बार बार सरकार को बोलता हूँ, उतना ही बोलो जितना आप सक्सेसफुल हो। आप कार्ड बिल्कुल नजरअंदाज है पिछले 30 सालों से, लेकिन मैं 2022 से आपको हिसाब लेना चाहता हूँ। यस, इन बिलों में एक भी बिल पैड नहीं होगी। हेरगाम वार्ड नंबर 3 एफआईआर लगानी है, मेरे नाम पर लगा दीजिएगा आप, जब तक नहीं मेरा यहाँ लोहे का पोल खड़ा होगा। और पूरी तार, ये सिंगल तार लोहे के मैं पैसा नहीं दूंगा, ये कान खुल के सुन लो। डीसी साहब इनको कान पकड़ के इस सपाट पे भेजो, जेई और एडब्ल्यू को जब फोन नहीं उठाता, मेरी जेई साहब से बार बार बात होती है, मैंने पिछले साल 30 पोल दिए हैं, बहरहाल आपका डीडीसी शेयर में आज तक वो पहुंचे नहीं, वो गए किधर? अगर मैं कहता हूँ नहीं जी पोल चोरी नहीं होते, फिर अगर चोरी नहीं होते तो यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ क्यों नहीं पोल पहुंचा? ये पोल क्यों, कौन बदलेगा? ये पावर की बात करते हो आप पैसे की बात करते हो। मैं जानता हूं, मैं पूरा रोटेशन में पूरे गांव, अगर कोई बच्चा लग जाएगा करंट में, ये तारे दरख्तों की तरफ बांधी हुई है, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? जिम्मेदार एडब्ल्यू पीडीडी, जिम्मेदार एक्सन, जिम्मेदार जेई, जिम्मेदार लाइनमैन। और मैं बार बार चौकीदार तो हूं नहीं, वार्ड मेंबर तो हूं नहीं, मैं हर घर में जाऊंगा। या आप जब बिले भेजते हो कि बिले आने से पहले देखा करो, तार सही है वहां, वो लगा है वहां या नहीं लगा है, ये ड्रामा अब नहीं चलेगा और ये बदमाशी अब नहीं चलेगी। अब सीधा आपने मुबारक है जय साहब, ये तार जो नालियों में पड़ी होती है ना शहरों में, वेल्डिंग कर करके इस पोल तक पहुंचाइए, इस पोल से उस घर तक पहुंचाइए वेल्डिंग कर करके। शर्म नहीं आती है 400-500 रुपए बिल भेजते हो, ये आप सपाट पे पहुंचो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आज या कल आप सपाट पे नहीं पहुंचे जय साहब, मेरी दोस्ती आपसे, मेरे खास भाई हो आप, लेकिन ये माफ नहीं किया जाएगा। ये वेल्डिंग की तारे नाले में उठा उठाकर और असली तार के बंडल कहां जाते, ये मालूम करेंगे आप यहां आकर, वरना मैं ये पूरा चीफ सेक्रेटरी को भी बताऊंगा और चीफ सेक्रेटरी तक मैं ये आज वीडियो वायरल करूंगा। क्यों? कि मैं तंग आ गया आप पिछले 15 स्कूल के बच्चे भी तड़प रहे हैं, 0 वोल्ट, अभी इसमें कहां से पावर आएगा? ये तो पावर इन वेल्डिंग के टाकू पे ही फंस गया जाता होगा, घर में क्या पहुंचेगा? ये तो इसको वेल्डिंग कर करके जैसे भी, ये कोई ड्रामा है, ये कोई बस्ती थोड़ी, ये कोई शहर का काम थोड़ी है, ये कोई देहात का हक थोड़ी है, ये ना हक है, इसको वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ये पोल है आपका, अगर ये पोल गिर गया बर्फ में तो 100 आदमी मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार रहेगा? डिपार्टमेंट।